आप इंडिया की जमीन पर खेल रहे हो, इंडिया को हराना आसान है क्या? यहाँ पर विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, श्रेयस अय्यर है, शुभमन गिल है हमारे पास बॉलिंग में, जसप्रीत बुमराह है, पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा इंडिया के आगे आज। और विराट कोहली अच्छा खेलेगा, और उसके बाद शुभमन गिल का भी IPL में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पे अहमदाबाद में, क्योंकि वो यही तो खेलते हैं, तो उनका भी रन बनाने का बहुत चांस है अगर वो खेलेंगे आज को। तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर नहीं, तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेगा विराट, और तोड़ेगा ही तोड़ेगा, क्योंकि उनकी जो फिटनेस है इस टाइम पे, वो 4-5 साल अभी और खेल सकते हैं, तो वो बहुत तोड़ेंगे रिकॉर्ड। जीतेगा विराट कोहली, शतक लगाएगा आज, कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान को धो दिया जाएगा आज, पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। खत्म पाकिस्तान का, इधर ही वर्ल्ड कप खत्म है पाकिस्तान का। टीवी टूटेगा, लाखों टीवी हर बार की तरह टूटेगा इस बार भी। सब इसमें लिखा है कि आज इंडिया कल डांडिया, या आज इंडिया को पाकिस्तान हरा के कल डांडिया मनाएंगे, नवरात्रि मनाएंगे पूरे अहमदाबाद में। पांड्या भी है, सब पांड्या के साथ डांडिया खेलेंगे हम लोग कल, इंडिया जीत के डांडिया मनाएंगे कल हम लोग। आज इंडिया कल डांडिया, गुजरात फेमस हमें डांडिया जाते से परफॉर्म करिबा जी पाकिस्तान को, क्योंकि जो मते जोड़ी चंद आलोचना करिबा भैया, क्या कहेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में? बहुत अच्छा मैच होने वाला है, सबसे हाई क्राउड एक्सपेक्टेड होगा एक वर्ल्ड कप गेम में, और कोहली और गिल का सेंचुरी एक्सपेक्टेड ही है, वो हो ही जाएगा, अगर हो जाएगा तो ये वायरल कर देना। पहले बैटिंग इंडिया किया तो स्कोर होगा 50-50 तो एक्सपेक्टेड है, अहमदाबाद का विकेट भी अच्छा है, तो अगर एक जितना अच्छा स्कोर होगा उतना चेज देखने में भी मजा आएगा, और वही हम लोग सेम साइड पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे कि बाबर आजम और रिजवान अच्छा खेले, और पाकिस्तान भी वापस आ रहे इंडिया में 7 साल के बाद, तो एक अच्छा एटमोसफियर है, क्राउड देख सकते हैं, एंड हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले साल में भी वो आते रहे। इंडिया आज भी जीतेगा और फाइनल्स भी जीतेगा। जय हिंद। नियत भावे विश्वकप ट्रॉफी आम घर को आसी, आम जेथर जीवा दबुनि एक भारतीय क्रिकेट फैन कहते, भारतीय क्रिकेट प्रशंसक कहते, आम सहित आउ कि जोड़ी आलोचना करवा। सर क्या कहेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में? आज इंडिया जीतेगा और 300 प्लस रन आज बनेंगे, और इंडिया की मजबूत जीत होगी आज, ये चक दे इंडिया, कोई खतरा नहीं है, वन मैन शो आर्मी आज, इंडिया ओनली इंडिया। इंडिया जीतेगी, विराट कोहली का 100 मारना पक्का है, विराट कोहली 100 मारेगा आज, प्रिंस भी मार सकता है, विराट कोहली मारेगा आज, पाकिस्तान के सामने हमेशा उसका बल्ला चलता है, आज भी चलेगा। पाकिस्तान लोग बोलते हैं बाबर आजम किंग है, नहीं असली किंग तो विराट कोहली है, किंग कोहली इज द किंग, ही इज द ओरिजिनल किंग, ही इज द ओजी। यस चक द इंडिया, हैप्पी बोल रहे हैं जोभ भाव देखुं, जिते समय पाखे आसे संख्यक फैन का समागम हो, विशेषकर इंडिया को से चिअर करने को आसुं बहु संख्य, देखिए कह गए बहु संख्यम इंडिया को चेयर करने आम सहित आज जन जोड़ सर क्या कहेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच बारे में? आज इंडिया जीतता है, इंडिया इंडिया ऑल द वे, एक ही बात है, इंडिया विराट कोहली, इंडिया विन, भारत माता की जय। सिर्फ किंग खेलेगा, प्रिंस नहीं खेलेगा, सब खेलेंगे, सब जीतेंगे, इंडिया इंडिया। मैम एक्चुअली में क्या कहेंगे मैम मैच के बारे में? इंडिया जीतेगा भाई, किस चीज की डर है भाई, इंडिया इंडिया। फैन मानक उत्साह जो भाई भाव बहु संख्यार बर्तमान आप देखुं नरेन्द्र मोदी स्टेडियम रे, आप देखुं चैनल का नाम के देखुं केएल क्लासिक, आप देखुं क्या कहेंगे केएल राहुल का फैन लोग? अरे प्योर क्लास, बहुत बड़ा फैन। हाँ 2014 से कमल लाजवाब राहुल, ओनली क्लास। रोहित शर्मा के बारे में बोलूंगा, आज रोहित शर्मा 200 करेगा, 200 इतनी उम्मीद रोहित शर्मा इस बार वर्ल्ड कप उठाएगा, ये इस बार वर्ल्ड कप घर के मतलब घर में आए, जाने नहीं देंगे, जीत के जाएंगे, वन साइड मैच जीतेंगे, वन साइड भारत माता की। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।